प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दी 7600 करोड़ की बड़ी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा के किसानों को भड़काया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलित विरोधी पार्टी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा सत्ता के लिए नफरत की राजनीति कांग्रेस करती है। हरियाणा में जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से दिल्ली में की मुलाकात। बीजेपी की जीत में नायक माने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने पहुंचे नायब सैनी। हरियाणा चुनाव में मिली जीत पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता ने फिर भरोसा जताया। हरियाणा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ की हाई लेवल बैठक। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने मां का लिया आशीर्वाद, कहा कांग्रेस का झूठ उजागर हो गया। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बबीता फोगाट का बड़ा बयान, कहा हरियाणा की पूरी 36 बिरादरी ने मिलकर बीजेपी को आशीर्वाद दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावी नतीजों पर राहुल गांधी का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट, लिखा जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत को जेडीयू ने भी ऐतिहासिक करार दिया। अशोक चौधरी बोले हरियाणा में बीजेपी की जीत का पूरे देश में असर पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार का जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में चला जादू। हरियाणा की 14 सीटों में 9 और जम्मू कश्मीर की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर मिली जीत। हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में सियासी घमासान तेज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान से कर सकते हैं मुलाकात। हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कुमारी सैलजा ने पार्टी पर उठाए सवाल, कहा नतीजे निराशाजनक, नए सिरे से सोचने की जरूरत। हरियाणा में खराब प्रदर्शन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान, कहा जाट समाज को अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस के खाते में 6 और बीजेपी के खाते में 29 सीटें आईं। जम्मू कश्मीर में बहुमत मिलने पर एनसी का बड़ा बयान। उमर अब्दुल्ला बोले दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी, झगड़े के लिए हमें लोगों ने वोट नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बीजेपी प्रभारी राम माधव का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में लोगों ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। हरियाणा के रिजल्ट से महाराष्ट्र में हलचल तेज। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से दिए गए किसी भी सीएम फेस पर राजी। सामना के संपादकीय में उद्धव गुट ने हरियाणा चुनाव नतीजों के पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इशारों ही इशारों में कांग्रेस को महाराष्ट्र में हरियाणा वाली गलती ना दोहराने की नसीहत भी दे डाली। हरियाणा में हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपनी ही पार्टी पर हमला। मार्गरेट अलवा ने एक्स पर लिखा खराब रणनीति, झगड़े और झूठे प्रचार ने जीत को हार में बदला। लेबनान के विद्रोही ग्रुप हिजबुल्ला ने पहली बार इसराइल से जंग के बीच युद्ध विराम की मांग की। हिजबुल्ला ने सीज फायर के बदले गाजा में हमले रोकने की भी शर्त नहीं रखी। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की। हमले को लेकर सीरिया की मीडिया ने बड़े नुकसान का दावा किया। इसराइल के सीरिया के दमिश्क में किए गए भीषण हमले में 7 आम लोगों की जान चली गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल रहे। इसराइल के पेजर अटैक में जख्मी हुए हिजबुल्ला के लड़ाके ईरानी मस्जिद में रोते बिलखते नजर आए। ईरान के मीडिया ने इस वीडियो को जारी किया है। इसराइल के हमलों को लेकर भारत में लेबनान के राजदूत का बड़ा बयान, कहा विनाश की होड़ में लगे नेतन्याहू हो गए हैं नियंत्रण से बाहर, किसी को उन्हें रोकना चाहिए। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर आईडीएफ ने बम बरसाए। हमले में हिजबुल्ला के 50 से ज्यादा लड़ाके ढेर हुए। लेबनान से इजरायली सीमा में जाने वाली अंडरग्राउंड टनल को आईडीएफ ने किया ध्वस्त। टनल की मदद से ही इजरायल में घुसे थे ये आतंकी। लेबनान के इजरायल पर जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले जारी। अब तक लेबनान ने इजरायल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। इसराइल ने नसरल्लाह के वारिस हाशम सैफी अल दीन को मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्ला का मुखिया बनने वाला था सैफी अल दीन, लेकिन उससे पहले ही मारा गया। लेबनान के लोगों को इसराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा संदेश, कहा हिजबुल्ला से खुद को मुक्त कराए लेबनान।
दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का अंडरग्राउंड ऑपरेशन तेज, कई किलोमीटर अंदर घुसी इजरायली सेना, चुन चुन कर हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड ठिकानों पर खौफनाक हमले जारी। इजरायल में मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार, इजरायल में मौजूदा हालात को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप की अपील की गई। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप राव का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस की अफवाहों को लोगों ने हवा निकाल दी है। यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, एसपी ने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपीएससी एसटी आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ बैठक की, सही पात्रों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में सदर विधायक की पिटाई, बास संघ अध्यक्ष पर विधायकों से मारपीट का आरोप लगा। मोहम्मद पैगंबर पर विवादास्पद बयान देने वाले यति नरसिंगा नंद के बचाव में उतरा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, रविंद्र पुरी ने नरसिंगा नंद को कानूनी मदद की बात भी कही। रिजर्व बैंक ने दूसरी तिमाही में रेपो रेट नहीं किया कोई बदलाव, इसमें रेपो रेट 6.5% पर ही बरकरार। WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने WHO का आभार जताया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स का आमरण अनशन जारी, विरोध में 50 डॉक्टर्स ने इस्तीफा भी दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके से लापता सेना के जवान का शव मिला, आतंकियों पर अगवा कर हत्या करने की आशंका। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस की चार्जशीट कोलकाता पुलिस ने दाखिल की, पुलिस के मुताबिक 29 मिनट में आरोपी ने महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस ने दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया, हमले में जख्मी एक भाई की भी जान गई। यूपी की बागपत पुलिस और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ की पोल खुली, दुकानदार को फंसाने के लिए गैंगस्टर ने रखा ड्रग्स, पुलिस ने मारा छापा, हालांकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी घटना। दिल्ली में सब्जी मंडी इलाके में डीटीसी बस की टक्कर में छात्रा की जान चली गई, गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। दिल्ली के सटे नोएडा में इकोटेक तीन पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया, गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शहनवाज के तौर में हुई है, फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल की नोक पर महिला से गैंगरेप की कोशिश, विरोध करने पर आरोपियों ने महिला से मारपीट तक की। यूपी के अमरोहा में एसिड अटैक से पीड़ित नाबालिग छात्रा की मौत, आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में बेटियों से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को धर दबोचा। राजस्थान के भिवाड़ी में एसपी के लोकेशन ट्रेस करने वाले एसआई समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश पर एडीजे बरेली के घर चोरी का आरोप लगा। यूपी के गाजियाबाद पुलिस ने अवैध असलहों की तस्करी के आरोप में एक टीचर को गिरफ्तार किया, आरोपी टीचर पर मेरठ से असलहे लाकर सप्लाई करने का आरोप है। यूपी के अमेठी में मामूली विवाद में पूर्व प्रधान की पीट पीट कर हत्या, मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप। यूपी के आगरा में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया, साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर बैंक खाते से 93,000 रुपए निकाल लिए। यूपी के महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश करते ब्राजील के नागरिक गिरफ्तार, घुसपैठिए से पूछताछ में पुलिस तेजी से जुटी। देहरादून पुलिस ने दबिश देकर राजस्थान से इनामी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया, आरोपी ने अपनी जगह मुन्ना भाई को एसएससी की परीक्षा देने भेजा था। यूपी के अलीगढ़ में आदमखोर जंगली जानवर की दहशत, खेत पर काम कर रहे किसान की 1.5 साल की बच्ची को उठा ले गया जानवर। यूपी के अलीगढ़ में आपसी विवाद के बाद दो पक्ष के बीच पथराव हो गया, सामने आया पथराव का वीडियो, पुलिस आरोपियों की तलाश में तेजी से जुटी। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे का सामने आया वीडियो, मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बेकाबू ट्रक ई रिक्शे से टकराई, 2 की मौत भी हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में कई जान ले चुके तेंदुए को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पकड़ लिया, पिछले दिनों एक बच्चे को उठा ले गया था आदमखोर तेंदुआ। यूपी के सीतापुर में डांस करते समय यूट्यूबर की मौत, माता रानी के जागरण में डांस करते वक्त आया यूट्यूबर को हार्ट अटैक। उत्तराखंड के हरिद्वार में लड़की से छेड़खानी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर चले लाठी डंडों में, 7 लोग जख्मी हुए।
मध्य प्रदेश के मऊगंज में मंदिर से चोरों ने सोने का मुकुट पार किया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के अमरोहा में सिंगाड़े चमकाने के लिए तेजाब छिड़कते एक दुकानदार को लोगों ने धर दबोचा, आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में पुलिस जुटी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नीलकंठ ट्रैक पर फंसे ब्राजील और स्पेन के सैलानियों का रेस्क्यू, एसडीआरएफ ने सभी सैलानियों को महफूज निकाला। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो में सजा दुर्गा पंडाल, पानी के नीचे बना दुर्गा पंडाल भक्तों और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा, बाढ़ की वजह से कई दर्जन गांव इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं। बिहार के भागलपुर में कई गांव गंगा नदी के चपेट में आ चुके हैं, गांव में रहने वाले लोगों पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। बिहार की सीतामढ़ी में हजारों घर बाढ़ के पानी में समाये, प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में तेजी से जुटी, लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर। मेघालय से आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार की तस्वीर, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 17 लोगों की जान तक गई। बिहार के मोतिहारी सिकरहना नदी का रौद्र रूप, निचले इलाके में बसी कई बस्तियों में डूबा पानी ही पानी, प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में तेजी से जुटी। अमेरिका में विनाशकारी तूफान विल्सन को लेकर चेतावनी जारी, मेक्सिको को पार कर फ्लोरिडा के खाड़ी तट की तरफ बढ़ रहा है ये तूफान। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज दिल्ली में, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा पाकिस्तान का कर्ज, चालू वित्तीय वर्ष के 2 महीने में ही 70,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज यहां पर सामने आया उन पर। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बटालिस्तान में लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, लोगों की को हिरासत में लेकर नेताओं को छोड़ने की मांग यहां पर की जा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा असेंबली में जमकर मारपीट, इमरान खान की पार्टी पीटीआई विधायकों के चले बीच लात घूसे जूते, कई विधायकों के झड़प में कपड़े तक फट गए। पाकिस्तान की शहबाज सरकार की इमरान खान की पार्टी को चेतावनी, कहा एससीओ शिखर सम्मेलन तक कोई प्रदर्शन दोहराने की कोशिश ना करे पीटीआई।